तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो एक ही बात करूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सूरत जाने वाला हूँ विजिट करने के लिए। तो सूरत में दोस्तों अक्षय भाई हमें मिले, ठीक है। इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था कि ऋतिक भाई अपने घर पे भी बहुत यूनिक सेटअप है। दोस्तों मैं सच बोलूंगा तो मेरे को ऐसा मालूम नहीं था कि इतना खतरनाक और इतना खूबसूरत सेटअप हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों इनका माइंड बर्ड्स के अंदर इतना खतरनाक है कि आप मेरे हाथ में देखिए, ठीक है। ये डकलिंग का एक चिक्स है। ये किसका चिक्स है? राजंस राजहंस राजंस का। का दोस्तों ये बकलिंग राजहंस का एक चिक्स है। ये आपने किस तरीके से इसको क्या कहाँ से लेके आए, ये बताएगी एक बार। मेरे फ्रेंड है नवसारी में, उनके वहाँ 5-6 पैर पड़ी है। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे वहाँ इनक्यूबेटर है, आप मुझे एग देना तो मैं एग हैचिंग कराऊंगा। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम करवाया है, फ्रीज जला गया, दो अच्छा, ये अंडे आप रखे थे, एक एक जला गया तुरंत ही। यानी दोस्तों जो इंक्यूबेटर रहता है, जो मशीन रहता है, ठीक है, जिसमें से अंडे अपने रख के फिर चिक्स निकाल सकते हैं, उसमें से इन्होंने चिक्स निकाला है। अभी ये इतना समझदार बन गया है कि इनको नहीं छोड़ता है, ठीक है, इनके साथ ही घूमता है ये। दोस्तों इनके पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और हैमस्टर जो रहते हैं, ठीक है, चाइना हैमस्टर बोलते हैं ना इसको, सीरियन हैमस्टर, सीरियन सीरियन हैमस्टर। हैमस्टर। दोस्तों इसके अंदर भी भाई का बहुत ही यूनिक काम है, ठीक है, अक्षय भाई का। और बर्ड्स की कॉलोनी इतनी यूनिक है, ठीक है, अहमदाबाद में कहीं पे आपको ऐसी ब्रीड कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पहले तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको दे देते हैं। और ऐसा रहेगा भाई, अपना कोई सेलिंग के अंदर काम है बर्ड्स हाँ के, सर, मुझे तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार दे दीजिए। 8-8-6-3-7-7-8-4-6 अक्षय अच्छा कंठारिया दोस्तों, ये सूरत। अक्षय कंठारिया भाई का कॉन्टेक्ट नंबर, अगर इनके बर्ड्स के अंदर आपको इंटरेस्ट हो तो इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो फटाफट से। दोस्तों हक से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो सबसे पहले अक्षय भाई, आप क्या चीज़ हमें दिखाना चाहोगे अपने हेमस्टर से सब्सक्राइबर कॉल को? करते हैं। हेमस्टर। दोस्तों हेमस्टर देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट चल के। आशीष भाई जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, वो भी अभी चौंक चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से हेमस्टर से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या सीन है इनके वहाँ पे। मैंने तो देखा, बहुत ही मजा आया। दोस्तों हक से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अभी मैं हेमस्टर दिखाता हूँ सबसे पहले, फिर बाद में जो है बजिश की कॉलोनी दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हेमस्टर की ओर। दोस्तों हम लोग अंदर आ चुके हैं, जो हेमस्टर का सेटअप है भाई के पास, आप देख ही सकते होगे। इसके अंदर बहुत ही फीमेल ने चिक्स भी रखे हैं, ठीक है। तो भाई से पूछते हैं, भाई इसके अंदर कितनी फीमेल ने चिक्स रखे वो हमें दिखा दीजिए एक दो बार। फीमेल अभी चिक्स पे है, हाँ ये रहे चिक्स, ये एल्बिनो, इसमें 8-9 बच्चे हैं। अच्छा, ये बाइट भी करती है ना, वैसे फीमेल एग्रेसिव रहती है फीमेल जब एग्रेसिव बच्चे रहती रहते है। हैं, ठीक हाँ, है। ये देखिए कितने बच्चे रहेंगे इसके अंदर, 7-8 बच्चे इसमें। 7-8 बच्चे। तो ये कितने टाइम में ब्रीड कर लेते हैं? ये ब्रीड तो महीने महीने भी कर लेंगे आपके लिए। अच्छा, महीने महीने में ब्रीड करते आप हैं। क्या ये चूहे जैसे ब्रीड करते हैं ना, वैसे ही ब्रीड ये करते देखिए हैं। यहाँ पे भी कुछ चिक्स है, ठीक है। 1 महीने में वो ब्रीडिंग इसका पे आ जाता बच्चा है। जो है मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों, एक बार नज़दीक से दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे को डर लग रहा है कि फीमेल बाइट ना कर ले, तो ट्राई करते दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ गया भाई, आजा। अरे आजा यार, ये भाग रहे यार मेरे से, डर रहे। आजा भाई, आजा आजा। अच्छा ये वाइट कलर में है यार, देखिए कितने स्मूथ है, ठीक है। ये इसकी माँ देखिए थोड़ी बहुत एग्रेसिव हो रही है, ये देखिए। ये दोनों फीमेल जो है बच्चों पे, ये थोड़े बड़े हो चुके हैं, ठीक है। ये कितने दिन के बच्चे रह गए? ये 20 दिन के हो गए होंगे, 20 दिन के हो गए। इसमें कितने बच्चे? इसमें 5-6 बच्चे, 5-6 बच्चे। दोस्तों पांच बच्चे भी जो बच्चे है नीचे चले जाते हैं, ठीक है, नीचे रहते हो, थोड़ा गर्मी में रहते हैं। ये देखिए भाई ने सेटअप कैसा बनाया हो। ये सारे के सारे फिश एक्वेरियम ही है ना हाँ, फिर एक में सभी। दोस्तों, फिश टैंक है सारे के सारे, ठीक है। इसके अंदर भाई ने ब्रीड करवाई हुई है। और ये किस चीज़ के लिए रहेगा? इनके पानी के लिए, ये इसी में पानी पीते हैं क्या हाँ, जो दोस्तों? कटोरी में सब लोग देता है ना, हाँ उनमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब पूरा भीग जाता है, अच्छा, हाँ बच्चों हाँ के लिए, सही है उनके लिए प्रॉब्लम होती है ठंडी सही है में। सही है। और यहाँ पे भी एक है, देखिए ये ये मेल थोड़े या दिनों फीमेल है? बच्चे ले लेगी, 2-3 दिन में। फीमेल अच्छा है, फीमेल है। घोंसला ही बनाया उसका खुद ही। अच्छा दोस्तों देखिए इतने कितनी बढ़िया तरीके से नेस्टिंग किया है, जैसे लव बर्ड नेस्टिंग करता है उसी तरीके से इन्होंने नेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। ये फीमेल अभी बच्चों पे। इसकी साइज उम्र क्या रहेगी? ये 1.5 साल की हो गई है, 1.5 साल ये की सब है, बच्चे इसके ही है, जितने बच्चे दिख रहे ये हैं। सारे बच्चे उसके ही, ठीक और है। एक मेल है उसका, पुराना वाला, यहाँ पे एक और मेल है, ठीक है। ये इसके पुराना मेल है सबसे। इसके भी बाल का ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इसमें फीमेल जो है थोड़ी सी एग्रेसिव है, ठीक है। ये देखिए इसके बाल का ग्रोथ देखिए, ठीक है। ये इससे बड़े बाल रहते हैं क्या इसके? होते हैं पर ये तो तोड़ देते हैं खुद ही, खुद ही तोड़ देते हैं। अच्छा, और अंदर जो है वो फीमेल है, ये फीमेल है। आज ही मैंने ब्रीड पे डाला इन दोनों को, यानी कि ब्रीड स्टार्ट है दोनों की। स्टार्ट है। अच्छा,
दोस्तों भाई बोल रहे थे कि एक आध पैर आप भी लेके जाओ। दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, भाई से पूछ के लेके जाएंगे, ठीक है, अगर लेके जाएंगे तो। बट सूरत से अहमदाबाद कैसे पहुँचाएंगे वो रीज़न रहेगा, ठीक है, देखेंगे क्या सीन होने वाला है। और आप ये भी बता दीजिए, इसमें हम आपने कुछ यूनिक चीज़ आपने हमें दिखाई है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो वो डक्स का एक बेबी था, इसके अंदर से निकलवाया हाँ आपने, हाँ हाँ क्या बात है। ये जो अंडे, छोटे छोटे अंडे पड़े, वो किस चीज़ के? मुर्गी की है, फोनिक्स के, जो बड़ी पूंछ नहीं होती है मुर्गी की, हाँ, उसके और ये जो बड़े एक दिख रहे उस वो वो राजन्स के है। राजंस के। ये एक डक्का है, हाँ, तीनों तो राजंस के क्या लग रहा निकलेगा, है इसके अंदर से चिक्स निकलेंगे या नहीं? क्यों नहीं, जरूर निकलेगा, 100% निकालेंगे बिल्कुल भाई, देखिए निकलेगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कैंसल नहीं की मैंने, कल ही की है, बच्चे हैं उसमें। अच्छा, नस आ गई है सब में, ठीक है दोस्तों। वो जो ये राजंस का जो चिक्स है भाई, अभी इसको इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। ये राजंस की, जैसे आपने वीडियो में स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा, मेरे हाथ में था दोस्तों। ज़्यादा परेशान नहीं करना है, अभी छोटा सा बच्चा है, ठीक है। इसको अभी आप क्या खिलाते हो? बाजरा, हाँ गेहूं हाँ और 5-6 प्रकार की दाल जो होती है हाँ को क्रश करके मैं दे देता हूँ। वो अपने आप ही खा हाँ लेता है खा क्या? लेता, खा लेता है। अच्छा, और खिचड़ी देता हूँ कभी कभी। खिचड़ी भी दे देते हो, हाँ जैसे चावल देते चावल हैं और वो। सिर्फ राइस ही, सही है राइस सही है। और पानी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर चिक्स देख रहे, ठीक है, छोटे छोटे से बच्चे। ये अल्बिनो में अंदर वाइट में, ठीक है। हर कलर में बच्चा निकाल देता अच्छा, है, एल्बिनो में बच्चा भी निकाला है। अपने पास हैमस्टर तो अभी इतने ही है ना, तो अभी क्या चीज़ दिखाना चाहोगे वो भी बता दीजिए, कहाँ पे अपने अभी चले। बर्ड्स दिखा रहे हैं, चलो बट्स दिखा देते हैं चलो। दोस्तों, अभी बट्स की ओर चलते हैं, ठीक है। बट्स दिखा देते हैं, हैमस्टर कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगे, ठीक है। और ये भाई की जो नई टेक्निक है बच्चों को बाहर निकालने की अंडों में से, वो भी देख लेना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है। तो अभी इनके बर्ड्स जो है दोस्तों, वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। बर्ड्स की भी कॉलोनी अलग है, मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने सारे केज है, ठीक है। ये सारे के सारे केज के अंदर बहुत ही यूनिक ब्रीड करवाई हुई है भाई ने बर्ड्स की, ठीक है दोस्तों। ये सेल वगैरह नॉर्मली कभी कभी ही करते हैं, बट भाई को बर्ड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉकटेल की भी बहुत ही बेहतरीन पेयर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बर्ड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। ये देखिए, ये नॉर्मल जो बजीस है, ठीक है, उसका जो मेल फीमेल रहता है वो इनके पास ये अलग सिंगल केज में रखा हुआ है, ठीक है। क्वालिटी देख लेना, फुली एक्टिव है। अभी जो फीमेल जो है वो लोडेड है, ठीक है, अभी अंडे पे आ गई है फीमेल, यानी कि 1-2 दिन में अंडा भी ले कर देंगी, लोडेड है, ठीक है, फीमेल देख सकते हो। और नीचे जो है बहुत ही बेहतरीन ब्रीड करी हुई है बजीस ने, ठीक है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि नीचे बजीस ने बहुत ही बढ़िया ब्रीड किया हुआ है दोस्तों। एक बार जो ऊपर से ये जो ढक्कन रहता है, मैं हटा के आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितने चिक्स है, आप नोट करना, ठीक है दोस्तों। मैं दिखा तो देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है, कितने चिक्स रहेंगे इसके अंदर। मैं दिखाता हूँ एक बार दोस्तों, ऊपर से जो ढक्कन रहता है हमने निकाल लिया है, ठीक है। आप लोग खुद ही गिन के दिखाना इसके अंदर कितने चिक्स है, मैंने तो गिन लिए, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 8-1 जैसे, ठीक है। इसके अंदर चिक्स दोस्तों, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेम कलर में ही है, ठीक है। बट ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखिए, बहुत ही बढ़िया ब्रीडिंग प्रोग्रेस है भाई, कोई भी दवाई यूज़ नहीं करते, ठीक है, जो भी है नेचुरलिटी है दोस्तों। अगर ऐसी ब्रीड आप भी पाना चाहते हो तो ऐसे सिंगल केज में अलग पैर रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी साथ में रहती है तो एक दूसरे के बच्चों को मार डालती है, ठीक है। तो इसके अंदर 7 से 8 चिक्स है, और इसके अंदर रेड आइस के चिक्स है, ठीक है, येल्लो, प्लेन येल्लो, सामने बच्चा बाहर आ रहा है, ठीक है, रेड आइस का, ब्लैक आइस में रेड आइस का चिक्स बाहर आया हुआ है, ठीक है, बहुत ही यूनिक। अभी आगे जो है मैं आगे और भी कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे भी बजीस है, ठीक है, ये नॉर्मल बजीस ही है दोस्तों, सारी जितनी आप देख रहे हो नॉर्मल है। इनके पास 100 बजीस भी है, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा, ये नॉर्मल बजीस ही है। इसके अंदर कितने तकरीबन चिक्स रहेंगे? 6 हो गए थे। 6 चिक्स है भाई इसके अंदर भी, 6 चिक्स है, ठीक है। एक इधर बैठा है, अच्छा, एक बाहर बैठा हुआ है, बस उसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, ऊपर से ओपन होता है बॉक्स, ये देखिए भाई बॉक्स ओपन कर रहे हैं, ठीक है, मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए भाई, इसके अंदर क्या ही बोलूँ भाई, कुछ बोलने जैसा लग रहा है दोस्तों आपको, आप ही खुद ही देखिए इसके अंदर जो ब्रीड भाई ने करवाई है, ठीक है, बहुत बढ़िया ब्रीड करवाई है, देखिए बहुत यूनिक कलर भी आए हुए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अभी फटाफट से ये लोग ज़्यादा ही डर रहे हैं, ठीक है, अभी बाहर निकल जाते और इनके जो ब्रीडिंग बॉक्स को जहाँ था वहीं पर लगा देते हम, ठीक है। आगे बढ़ते आगे देखते और कौन सी चीज़ भाई के पास अवेलेबल है।
दोस्तों यहाँ पे जो है एक रोजी का कंफर्म जोड़ा है, ठीक है, इसके अंदर चिक्स इतने यूनिक आए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये किस तरीके से हो पा सकता है, ठीक है। दोस्तों रोजी का पूरा कंफर्म जोड़ा है और इसने जब फर्स्ट टाइम ब्रीड किया था उसके अंदर से गोल्डन चेरी के चिक्स निकले थे, ठीक है, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ। बट अभी जो है ये अंडे पे है, ठीक है, अंदर अंडे पड़े हो तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कितने अंडे पड़े हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अंडे नहीं है क्या अंदर? अच्छा वो फीमेल जो है अंडों पे बैठी, ये देखिए भाई साहब क्या बात है, नो जैसे अंडे पड़े हैं, ठीक है दोस्तों, अंडे तो देखिए बहुत बढ़िया ब्रीड की है, ठीक है। ये मेहंदी कलर में जो आपको डार्क कलर में दिख रही है वो फीमेल है और वो जो अपना रोजी का मेल है, ठीक है, चेक करना क्वालिटी वगैरह बहुत खतरनाक क्वालिटी है और भाई ने ब्रीड कितना जबरदस्त करवाया है, ठीक है। इन दोनों के चिक्स मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, इनके चिक्स की ओर बढ़ जाते, इसको बंद कर लेते, यहाँ पे नीचे भाई ने इनके चिक्स जो रहते वो बंद किए हुए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे उनके चिक्स है, इसके ये रहा गोल्डन चेरी का चिक्स देख लीजिए, ठीक है, ये उसी के अंदर से निकला है क्या अक्षय भाई? हाँ वही वही भाई, देख सकते हो रोजी के अंदर से गोल्डन चेरी का चिक्स निकलता है, ठीक है। ये कितने महीने के रहेंगे? ये 6 महीने के ऊपर। ये अपने पास सेलिंग के लिए है या खुद के ब्रीड सेलिंग के लिए? अच्छा दोस्तों ये सेलिंग के लिए, ठीक है, रोजी या गोल्डन चेरी सेलिंग के लिए? तीनों दिन। ये अभी एडल्ट हो चुके हैं। एक पैर ये लेके गए पीछे वाला। अच्छा एक पैर यहाँ पे एक भाई आए हुए वही लेके गए हुए, ठीक है, ये देखिए ये सेलिंग के लिए अवेलेबल है दोस्तों, अगर किसी को चाहिए तो प्लीज भाई को कॉन्टेक्ट जरूर करना। अभी ये फर्स्ट ब्रीड करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों भाई का कॉन्टैक्ट नंबर स्टार्टिंग में तो दे दिया, वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे और बहुत सी चीज़ें ऐसी। दोस्तों यहाँ पे जो है भाई ने स्मॉल कनूर भी लाए हुए हैं, ठीक है, ये बॉम्बई से आप लेके आए थे ना दोस्तों? भाई ने बाहर से, एक महीना हो गया है, ठीक है, अभी इसके अंदर ब्रीड हुआ है कि नहीं? नहीं वैसे तो नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत जल्द ब्रीड भी कर लेंगे ये दोनों, जैसे अभी बॉक्स में ही थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ, क्वालिटी वगैरह चेक करना। वी डीएनए के साथ में लेके आयो क्या? डीएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, ठीक है दोस्तों, डीएनए करवाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी दोस्तों इसका भी ब्रीड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखिए बजीस के बच्चे जैसे मैंने पहले ही दिखाए थे, ठीक है, बहुत खतरनाक ब्रीड करवा रहे भाई, ठीक है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते, आगे जो 100 बजीस रहती है, ठीक है, उसके अंदर भी भाई ने अच्छा काम किया, क्या पता इसके अंदर अंडे बच्चे है या नहीं? अंडे 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 है, इनसे सेल हो गए अभी। अच्छा और अंडे और फोस्टरिंग भाई जो है दोस्तों जो चिक्स रहते हैं वो सेल कर देते, ठीक है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट करें, बहुत ही यूनिक। ये देखिए ठीक है, 4 से 5 अंडे पड़े हुए तकरीबन इसके अंदर, और 2 अंडे मैंने फोस्टरिंग किए नॉर्मल बजीज में। अच्छा अच्छा 2 अंडे जो है नॉर्मल बजीज में भाई ने रख दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वालिटी बहुत ही यूनिक है दोस्तों। फेस देखिए, फीमेल का फेस देखिए आप, ठीक है, बहुत यूनिक फेस है फीमेल का। अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है, अभी बाहर आ जाते, ऊपर भी बहुत से ये घर के चिक्स है ना सारे के सारे दोस्तों, इनकी घर की बजीज जो रहती है, ठीक है, उन्हीं के चिक्स इन्होंने बड़े किए, अभी इनको भी ब्रीड करवाने वाले हैं, ठीक है। कलर चेक करिए, बहुत ही यूनिक यूनिक क्रीम कलर येल्लो फेस के अंदर आया हुआ है, वाइट फर के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर जो ये देखिए एस कलर में आपको ग्रे कलर में भी दिखेगा, ठीक है, एक नंग ये मेल है, क्वालिटी बहुत यूनिक है, क्या ही बताऊँ दोस्तों, ठीक है। ऐसे कितने सारे केज भाई ने रखे हुए घर पे, देखिए यहाँ पे भी बजीज है, ठीक है भाई, इस बजीज के बारे में कुछ बताइए, बाहर से लेके आए हुए क्या? होम ब्रीड है ये, सारे होम ब्रीड के। अच्छा पट्टे ही अभी मैंने कल ही अलग किए ये सर, बहुत ही यूनिक ब्रीड कराई है, ठीक है भाई अपना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ब्लैक केज है, यहाँ पे ये पिंक केज, यहाँ पे ब्लू ब्लैक, बहुत से केज है ऐसे, ठीक है, देख लेना। यहाँ पे नीचे भी एग्जैक्टली नीचे भी इन्होंने एक कॉलोनी बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ ऊपर भी एक कॉलोनी बनाई हुई है बजीज की, मैं आपको दिखाता हूँ इस बार, ठीक है दोस्तों। अपने पास जैसे रेड आइस का रिजल्ट पड़ा हुआ है, वैसे ही भाई का रेड आइस का, भाई के पास भी एक बहुत ही बढ़िया फीमेल जो है रेड आइस की, उसका रिजल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, देख लेना क्वालिटी वगैरह दोस्तों। ये जो सामने फीमेल बैठी हुई है, ठीक है, ये रही रेड आइस की फीमेल है, ये रही दोस्तों, वो जो है भाई बाहर से लेके नहीं आए हुए, ठीक है भाई, तीन, की तीन फीमेल है उसमें, तीन अच्छा, फीमेल मीटिंग कर रही है। अच्छा, सब में बच्चे ही है, सब में सब रेड आई में बच्चे है, सब में रेड आई के बच्चे, 5-5 के बच्चे, बहुत बढ़िया। और इसके बारे में कुछ बताइए भाई, ये कौन से लव बर्ड है? ब्लू फिशर है दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है, ठीक है। मेल फीमेल दोनों जो है भाई बता रहे हैं कि मटकी में ही बैठे रहते हैं, तो अभी हम देख भी लेते हैं कि इसमें क्या सीन है। मेरे ख्याल से अंडे रहेंगे इसमें, क्योंकि फीमेल जो है एग्रेसिव है, ठीक है। 4-5 है। अच्छा ये पड़े यहीं पे दिख रहे, ये रहे देखिए, 4-5
ठीक है, इसमें भी अंडे इसको छेड़ना नहीं है, बाहर आ जाते हैं फटाफट से और गेट को बंद कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते आगे फिंचिस में भी बहुत ही यूनिक काम किया है भाई ने, फिंचिस दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे ये क्या है, कॉकटेल दोस्तों, कॉकटेल देखिए, एक बार कॉकटेल देखना, इसका मेल देखिए कितना यूनिक मेल है, ठीक है, बहुत यूनिक मेल है ये। तकरीबन कितने साल से आपके पास ये पेड़ है? मेरे पास 2.5 साल हो गए, यानी कि 2.5 साल हो गए। जब फर्स्ट ब्रीड हुआ था तब आपके वहीं पे हुआ था? हाँ, मैं पट्टे लाया था। हाँ, फिर 1 साल के बाद ब्रीडिंग हो, मतलब 1.5 साल से ब्रीडिंग हो रही है। अच्छा, मैंने इसके 18 फर्स्ट ब्रीड में इसने कितने, एक ही चीक निकाला, वो चीक मेरे पास अभी मैंने संभाल के रखा है। अच्छा, और दूसरे क्लच में, दूसरे क्लच में इसने 4 बच्चे निकाले थे, तीसरे क्लच में 3 बच्चे निकाले थे, ऐसे इसने कम से कम 20-21 बच्चे दे दिए हो गए। अभी लाइव में दोस्तों इसके चिक्स पड़े हुए हैं अंदर बॉक्स में, ठीक है, मैं दिखाता हूँ ब्रीडिंग बॉक्स ओपन करके। ये देखिए दोस्तों, सोना है, ठीक है, ये देखिए इसमें फोन कलर भी है और लेमन कलर की छांट में, एक ये जो पीस दिख रहा है मेरे को लेमन कलर के छांट में दिख रहा है, ठीक है, लुटिनो का, और फोन कलर में 2 है और 2 लेमन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी देख लेना दोस्तों। लुटिनो भी निकल सकते हैं, ये थोड़ा मेरे को लेमन कलर में लग रहा है और वो सामने जो लुटिनो में लग रहा है, और 2 फोन कलर में, ठीक है, बहुत खतरनाक ब्रीड करवाई है भाई ने। ठीक है दोस्तों, ऐसी ब्रीड कब होती है, जब आप बर्ड्स को खुद के, आप समझ लो कि आप खुद ही हो इसके अंदर, ठीक है, उसको मेंटेन आपको ही करना है, आप जितनी देखभाल करोगे, ठीक है, उतनी अच्छी ब्रीड आपके वहाँ पे करेगी। सामने ये फीमेल है, ठीक है, फोन कलर की जो फीमेल है, ये देखिए ये फोन कलर की फीमेल है, येलो फेस के अंदर, ठीक है, बहुत खतरनाक। तो अभी फटाफट से इसको भी बंद कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा छेड़ना नहीं है इनको, ये बंद कर लिया। अभी यहाँ पे एक बजीज की पैर है ना, ये सबसे पुरानी पैर है, सबसे पुरानी, कितने साल पुरानी रहेगी? 5 साल तो हो ही गए होंगे। 5 साल पुरानी पैर है, मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। इसके अंदर हमने देखे 4 से 5 बच्चे, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी साइज की ये बजीज है, यानी कि उम्र लायक बजीज है, ठीक है, वो मैं आपको कवर करके नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे फिंचिस पे आ जाते हैं, फिंच में देखिए भाई ने क्या यूनिक काम किया हुआ है, ठीक है भाई। इसके अंदर आप स्टार्टिंग में कितनी पैर फिंचिस की लेके आए? एक ही पैर थी मेरे पास, ये रही, ओनली फॉर एक ही पैर। अभी वो पैर अवेलेबल है? हाँ हाँ, है ना। कितने टाइम से वो पैर अपने पास? 3-3.5 साल हो गए। अच्छा, ये भी अभी ब्रीड करके बैठी है क्या? ये 3 पट्टे अंदर। भाई साहब देखिए, भाई ने ब्रीड अभी भी इसका करवाया हुआ है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, फोन को अंदर डाल के, बहुत छोटा गेट है, ये देखिए अंदर बैठे हुए, ठीक है, मच्छी भी बहुत, अंडे भी आ गए। अच्छा, दूसरे अंडे भी आ गए, ठीक है, ये देखिए फीमेल बाहर आ चुकी है, ये फीमेल है या छोटा बच्चा? अच्छा, पट्टा है, ठीक है, अभी पट्टे भी अंदर पड़े फिर भी अंडे आ गए, ठीक है, चेक कर लेना। अभी इसको बंद कर दो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, इसके अंदर भी कलर, पाइट के अंदर भी बहुत ही बढ़िया कलर है भाई के पास, ये ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, मेल बहुत बढ़िया। तो ये कितने टाइम से आपने ये नया सेटअप बनाया या पुराना? ये लाया हूँ खरीद के पूरा। अच्छा, ये पूरा खरीद के लेके आए हो? एक दोस्त का था, उसमें मुझे सेल करना था, मैंने ले लिया। अच्छा, इसके अंदर कितने बढ़िया तरीके से नेस्टिंग करने के लिए इन्होंने लगाया हुआ है, चेक करना। ये टोकरी है ना, छोटी टोकरी जो रहती है, उनको डबल को फिट करके फिर ऐसा लगा दिया है, ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टोकरियाँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसी। और इनके पास दोस्तों एक बेहतरीन, और बेहतरीन क्या ही बोलूँ दोस्तों, इतनी खतरनाक ब्रीड करवा रहे भाई। मैं एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे जावा फिंचिस हम लोग कवर करते हैं। 6 सेल हो चुके हैं, ठीक है, इसके अभी बहुत जल्दी ये वापस से ब्रीड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे तो मैंने स्टार्टिंग में बजीज जो दिखा दी वही है, कॉकटेल के जो इनके पास 6 थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ उनकी, वो जैसे कि आगे वीडियो में बोला था कि हर ब्रीड में एक चिक मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, उसमें से ये सारे एक एक चिक इन्होंने निकाल के यहाँ पे तकरीबन 4 नंग जो है इकट्ठा किए हुए। ये जो यहाँ पे अल्बिनो ब्लैक आइस आप देख रहे हो, ठीक है, ये उनके फ्रेंड के पास से भाई लेके आए, और ये फुली हैंटे में आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा, थोड़ा बहुत ब्लर हो रहा है, मैं अच्छे से कवर करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, अभी इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। जो खास चीज़ है दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक ब्रीड करवा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए पाइट का नंग देखना, ठीक है, सबसे पहला बच्चा वही है, सबसे पहला चिक वही है, 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल का हो गया भाई, इसका कोई ब्रीड नहीं करवाते क्या आप? नहीं, फीमेल डाली मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, इसमें फीमेल डाली है उसके लिए? अच्छा, फोन में बैठी, ये फोन कलर में फीमेल बैठी हुई, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में फीमेल है, ठीक है, क्वालिटी तो देखिए फीमेल की दोस्तों, ये देखिए, जो बर्ड्स की कदर करता है ना दोस्तों, उसी के पास ऐसी ब्रीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है,
बहुत बढ़िया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सूरत आके भाई हमें मिले, ठीक है। भाई के पास बहुत ही यूनिक ब्रीड है, जो भी बहुत ही बढ़िया ब्रीड करवा रहे हैं भाई, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। किसी के माइंड में ये चीज़ नहीं घुसी होगी कभी, जो जिब्रा फिंचिस खाती है, ठीक है। जिब्रा फिंचिस वो क्या रहता है भाई? सुपरवॉर्म, मीलवॉर्म। अच्छा दोस्तों मैं दिखाता हूँ वो भी एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो जिब्रा फिंचिस खाती है ना, या जावा फिंचिस खाती जावा है? खाती है, जावा खाती है। जेब्रा भी खाती है। ये आप बाहर से लेके आते हो या खुद ही बनाते हो? ये मैं घर पे ब्रीडिंग करवाता हूँ इसकी। अच्छा खुद ही दोस्तों, यहाँ पे खुद ही ब्रीड करवाते हैं भाई, ठीक है। मैंने जब देखा मैं खुद भी चौंक गया था कि भाई ये कैसे कर लेते हो, ठीक है। ये देखिए इसमें मैं दिखाता हूँ, भाई ने ब्रीड करवाया हुआ है। ऐसी चीज़ों में ये भाई ब्रीड करवाते हैं दोस्तों, हमें तो दिखेगा भी नहीं। ये मेल मॉम्स के लिए। अच्छा ये हाँ हाँ ये मेल मॉम्स है, यानी कि इसके अंडों में से ऐसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं, लार्वा निकल रहे। अच्छा लार्वा निकलता है, और ऐसी यहाँ पे भी एक और है, ठीक है। अभी इनको हिलाना नहीं, इसके अंदर अंडे हैं, ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे एकदम, बहुत छोटे अंडे। तो देखिए दोस्तों ऐसे भी ब्रीडर पड़े हुए, ठीक है दोस्तों। ये माइंड से सब कुछ इन्होंने यूट्यूब से ही सीखा है, ठीक है भाई। आपने सब कुछ यूट्यूब से ही सिखाया ना, या किसी के पास से सिखाया? मैंने यूट्यूब से ही सीखा। अच्छा आशीष भाई कैसा लगा यहाँ पे आके? भाई बहुत ही बढ़िया था, भाई ना भी ब्रीडिंग बहुत अच्छी तरह से करता है। अच्छा भाई के पास दोस्तों एक कछुआ भी है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। भाई के पास कछुआ है बट अभी सोया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लेब्राडोर की फीमेल है, इसकी साइज़ देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये चल भी नहीं पा रही है, वैसे तो चल लेती है, बट मैंने भाई को बोला कि भाई यार कुछ ज़्यादा ही बड़ी साइज़ है इसकी, ठीक है। लेब की ये कितने साल की फीमेल है? 8 साल की है। 8 साल की फीमेल है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम क्या रखा है? लूसी। लूसी दोस्तों, लूसी देखिए, ठीक है, बहुत यूनिक। आपने कभी इसके बच्चे वगैरह करवाए? नहीं, ब्रीडिंग नहीं कराई। अच्छा अच्छी चीज़ है, ठीक है दोस्तों। ये शौक़ के लिए रखते हैं ये सब चीज़, कोई भी जगह पे इसने इन्होंने ऐसा नहीं करवाया कि इसके बच्चे वगैरह ले। फिर भी देखिए कितनी हेल्दी है, ये देखिए इनके घर पे ऐसे ही सोफे पे सोती रहती है क्या भाई ये? खेलती है सभी जो बर्ड्स है दोस्तों, उनके पास खेलती है, जो वीडियो में आपने आगे देख ही लिया होगा, ठीक है इंट्रो में। तो अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे मेरे को आके, भाई का एक बार फिर से कॉन्टेक्ट नंबर देता और भाई से इंट्रोडक्शन भी थोड़ा कर लेते हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों अक्षय भाई का जो पूरा सेटअप था, ठीक है, हमने कवर कर लिया। आशीष भाई को लास्ट में मैं लेके आया, सॉरी दोस्तों, ठीक है। आशीष भाई कैसा लगा सूरत में आके, आपको एक बता दीजिए। बहुत ही अच्छा लगा, अभी सेटअप मेरा ब्रीडर बहुत ही बढ़िया बढ़िया घर, आप सभी को पता नहीं होगा, पर हम आपको सारे के सारे ब्रीडर आपको दिखाने वाले, ठीक है दोस्तों। सूरत बहुत ही यूनिक विजिट की हमने, ये जो ये विजिट है दोस्तों आज की सबसे खास विजिट है आज तक की, ठीक है मेरी। और ये भाई जो है भाई, अपना नाम क्या है? माया भाई। माया भाई, भाई अपना काम किस चीज़ के अंदर है ज़्यादा? फुल सीलिंग का काम है, लेकिन साइड पे हम ब्रीड भी करवाते हैं। अच्छा दोनों फ्रेंड हो क्या? आपके घर पे बर्ड्स है या क्या है? बर्ड्स भी है, कैट्स भी है। अच्छा आपके घर पे कैट्स भी है दोस्तों, बर्ड्स है, रैबिट्स है। हो सकेगा तो बहुत ही जल्दी इनके वहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है हम लोग। और अक्षय भाई एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। 8 8 7 8 4 6 8 4 6 सूरत गुजरात। दोस्तों कोई भी चीज़ चाहिए इनके सेटअप में से, भाई को एक बार कॉल करके पहले पूछ लेना, ठीक है। ये सेलिंग के लिए अगर अवेलेबल रहेगा भाई तो ही आपको सेल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।